वेलकम टू सोशल। काफी लंबे टाइम तक बॉलीवुड में बिग बजट फिल्म्स का ट्रेंड रहा था, जहां कुछ साल पहले तक हमारी सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स बड़े बजट वाली फिल्म्स ही रही हैं। इसमें किक है। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री में एक अलग ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां स्मॉल बजट फिल्म्स को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ऑडियंस पहले से ज्यादा अवेयर हो गई है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ स्मॉल बजट फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल रही हैं। हमने इस वीडियो में 3 करोड़ से 32 करोड़ तक के बजट की फिल्म्स रखी हैं, जिनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एटलीस्ट अपने बजट से 3 times ज्यादा हुई थी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मेहमान आने वाला घर मेहमान मैं अपनी जगह किसी को देने का पापा बता दे मैंने आपको छोटा मेहमान। नंबर 1 अंधाधुन। 2018 में रिलीज हुई अंधाधुन को ऑलरेडी बॉलीवुड की बेस्ट थ्रिलर्स में गिना जाता है। फिल्म में हम एक ब्लाइंड पियानिस्ट आकाश की कहानी देखते हैं, जो एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। हमें फिल्म में हर एंगल पे एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है और फिल्म की एंडिंग को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है। अंधाधुन अनडाउटेडली एक परफेक्ट थ्रिलर फिल्म है, जिसको 32 करोड़ के बजट पे बनाया गया था। फिल्म ने इंडिया में अराउंड 90 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म को एक हिट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद अंधाधुन जब चाइना में रिलीज की गई तो वहां ऑडियंस का फिल्म को लेकर एक अलग ही क्रेज नजर आया। फिल्म ने चाइना में 340 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और ये बहुत ही हैरान कर देने वाले नंबर्स हैं। चाइना में हमारी मेन स्ट्रीम फिल्म्स काफी पसंद की जाती हैं, जहां दंगल और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं। अंधाधुन जैसी थ्रिलर का ओवरसीज इतना बिजनेस करना हमें साफ दिखाता है कि शायद बाहर की कंट्रीज के लिए फिल्म की स्टार कास्ट या फिल्म का बजट उतना मैटर नहीं करता जितना कि एक अच्छी स्टोरी करती है। नंबर 2 द लंच बॉक्स। इरफान खान स्टारर द लंच बॉक्स उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। फिल्म की कहानी एक रियल लव स्टोरी है, जहां एक लंच बॉक्स के गलत एड्रेस पे जाने से दो लोगों की दोस्ती शुरू होती है, जिसमें वो एक दूसरे को लेटर्स लिख के कम्युनिकेट करते हैं। फिल्म को 22 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इंडिया में फिल्म को बहुत ही एवरेज रिस्पॉन्स मिला, जहाँ फिल्म ने सिर्फ 28 करोड़ की कलेक्शन की। आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। द लंच बॉक्स की सक्सेस स्टोरी भी काफी रेयर है, जहां US जैसी कंपेटिटिव फिल्म मार्केट में फिल्म ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और बाकी कई कंट्रीज से भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। द लंच बॉक्स इरफान के करियर की पहली सोलो रिलीज थी, जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? गुड। नंबर 3 क्वीन। 2014 में रिलीज हुई क्वीन कंगना रनौत की पहली सोलो फिल्म थी, जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। क्वीन की स्टोरी से ज्यादा कंगना की एक्टिंग फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिल्म में हम उन्हें रानी के कैरेक्टर में देखते हैं और ये कैरेक्टर उन्होंने इतनी परफेक्शन से निभाया था कि उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। क्वीन को 15-20 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और फिल्म ने 97 करोड़ का बिजनेस किया था। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। नंबर 4 पिंक। 2016 में रिलीज हुई पिंक एक विमेन सेंट्रिक फिल्म है, जो एक कोर्ट रूम के ड्रामा के अराउंड बेस्ड है। फिल्म के नैरेटिव में हम कई जेंडर स्टीरियोटाइप्स को देखते हैं और कैसे लड़कियों को आज भी सोसाइटी में जज किया जाता है, वो इस फिल्म में बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। You are a woman of questionable character. पिंक जैसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करना हमेशा थोड़ा रिस्की ही रहता है, क्योंकि ये एक टिपिकल बॉलीवुड वाली फैमिली फ्रेंडली फिल्म नहीं थी और इंडिया में हाईएस्ट अर्निंग फिल्म्स ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स ही रहती हैं। पिंक को 29 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सक्सेसफुल रही, जहां फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन 118 करोड़ की थी। पिंक में सभी एक्टर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं और फिल्म सभी आइडियोलॉजीज को बहुत ध्यान से आपके सामने रखती है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन दिनों में ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी की वजह से भी काफी देखी गई थी। नंबर 5 स्त्री। इस फिल्म ने हॉरर कॉमेडी के जॉनरा को बॉलीवुड में पूरी तरह से बदल के रख दिया और आगे ऐसी कई और फिल्म्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। फिल्म में हम एक शहर की कहानी देखते हैं, जहां एक आत्मा को लोग स्त्री के नाम से बुलाते हैं, जो रात के वक्त शहर के आदमियों को एबडक्ट कर लेती है। इस नैरेटिव के बीच हम एक लेडीज टेलर विकी की कहानी देखते हैं, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और दूसरी तरफ शहर में स्त्री का डर बढ़ने लग जाता है। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। स्त्री जब रिलीज होने वाली थी तो फिल्म को लेकर ऑलरेडी काफी बज बना हुआ था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक मल्टी स्टारर फिल्म होते हुए भी फिल्म को 23 करोड़ के बजट पे बनाया गया था, जो कि एक काफी कम बजट माना जाता है। फिल्म के रिलीज होने के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और फिल्म ने 180 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। स्त्री की कलेक्शन सभी के लिए एक आई ओपनर थी, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में हॉरर जॉनरा को एक ढंग की स्टोरी और स्क्रीन प्ले के साथ दिखाया जाए तो ऑडियंस इजीली ऐसी फिल्म्स देखने में
में इंटरेस्टेड होगी। स्त्री की सक्सेस के बाद हॉरर कॉमेडीज की प्रोडक्शन काफी बढ़ गई है, जहां रूही हफ्सा, भूल भुलैया 2 और स्त्री का सीक्वल ऑडियंस को जल्द ही देखने को मिलेगा। नंबर 6, हिंदी मीडियम। इरफान खान स्टारर हिंदी मीडियम एक कम्प्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म है, जो आपको भी उतनी ही पसंद आती है जितनी आपके फैमिली मेंबर्स को। फिल्म की कहानी में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए गरीब बनने का नाटक करते हैं। हिंदी मीडियम को सिर्फ 14 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हिंदी मीडियम की सक्सेस को बॉलीवुड की मोस्ट रेयरेस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में गिना जाता है, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। मई 19, 2017 को जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो ऑलरेडी उस वक्त बाहुबली 2 का क्रेज बहुत चल रहा था, जहां फिल्म को थिएटर में लगे हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और फिल्म का हर शो तब भी हाउसफुल जा रहा था। उसके अलावा हिंदी मीडियम के साथ हाफ गर्लफ्रेंड भी उसी दिन रिलीज हुई थी और ज्यादा शोज हाफ गर्लफ्रेंड को दिए गए थे, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम को एक थर्ड ऑप्शन की फिल्म के तौर पर देखा गया। फिर अगले हफ्ते सचिन तेंदुलकर की डॉक्यूमेंट्री अ बिलियन ड्रीम्स रिलीज हुई, जिसे हिंदी मीडियम को दोबारा टफ कंपटीशन मिला। सचिन की डॉक्यूमेंट्री के सामने भी हिंदी मीडियम थिएटर में चलती रही और ऑडियंस के वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी के चलते इसे हर फैमिली देखने आ रही थी। इसके थर्ड वीक में राबता और द मम्मी जैसी बिग बजट फिल्म रिलीज हुई और दोनों की दोनों फ्लॉप हो गई। फोर्थ वीक तक आते आते हिंदी मीडियम ही सबकी फेवरेट चॉइस बन चुकी थी और सिर्फ 14 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। हमने वीडियो में पहले इरफान खान की फिल्म द लंच बॉक्स की कलेक्शन बताई, जिसने 100 करोड़ ओवरसीज बिजनेस की वजह से किया था, पर हिंदी मीडियम इरफान की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसने इंडिया में ही 100 करोड़ कमा लिए थे। 14 करोड़ के बजट पे बनी हिंदी मीडियम के लिए इतनी सक्सेस बहुत थी, पर शायद इरफान का लक इतना अच्छा रहा कि अगले साल अप्रैल में फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया और वहां तो लोगों को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि पहले 3 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ की कलेक्शन क्रॉस कर दी थी। चाइना में हिंदी मीडियम ने 200 करोड़ के अराउंड बिजनेस किया और इरफान के करियर की ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही, जहां फिल्म का टोटल कलेक्शन 300 करोड़ प्लस रहा। नंबर 7, बधाई हो। 2018 में रिलीज हुई बधाई हो से ऑडियंस को ऑलरेडी काफी एक्सपेक्टेशंस थी। फिल्म की स्टोरी में हम एक फैमिली की कहानी देखते हैं, जहां नकुल का कैरेक्टर आयुष्मान खुराना ने प्ले किया है। नकुल की मदर प्रेग्नेंट हो जाती है और इस न्यूज से हर कोई हैरान रह जाता है। मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को देने का पापा, बता दिया मैंने आपको। छोटा मेहमान। फिल्म को 29 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और फिल्म की टोटल कलेक्शंस 221 करोड़ रही। फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि फिल्म ने इंडिया में ही 170 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि एक स्मॉल बजट फिल्म के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है। नंबर 8, कहानी। विद्या बालन की फिल्म कहानी भी एक ऐसी ही थ्रिलर थी जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही काफी पसंद की थी। फिल्म को बहुत ही लो बजट पे बनाया गया था, जहां डायरेक्टर सुजॉय घोष ने फिल्म की सारी शूटिंग कोलकाता में ही की और फिल्म को बहुत ही इंडी स्टाइल से शूट किया गया। कहानी का बजट 8 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 91 करोड़ का बिजनेस किया था। नंबर 9, सीक्रेट सुपरस्टार। 2017 में रिलीज हुई सीक्रेट सुपरस्टार एक बहुत ही लो बजट फिल्म थी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आमिर फिल्म्स के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते और फिल्म की सक्सेस के बाद ही उसमें से अपना शेयर लेते हैं। मैं पैसे लेना तो मैंने बंद कर दिया ना अप फ्रंट, टोटली मैं पैसे ही नहीं लेता। आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर माय फिल्म्स। सीक्रेट सुपरस्टार को भी आमिर ने बहुत स्मार्टली प्रोड्यूस किया था, जहां फिल्म का बजट सिर्फ 14 करोड़ था और दंगल की सक्सेस के बाद सबको आमिर की नेक्स्ट फिल्म का इंतजार था। फिल्म के साथ ही गोलमाल अगेन रिलीज हुई थी, जिसके बावजूद भी सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडिया में 90 करोड़ का बिजनेस किया। इसके अलावा आमिर की हर फिल्म चाइना में बड़े नंबर्स में रिलीज होती है और जब सीक्रेट सुपरस्टार वहां रिलीज हुई तो 3 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। फिल्म ने एक हफ्ते में 300 करोड़ की कलेक्शन क्रॉस कर दी और ये नंबर्स इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे कि चाइना में उसने अवतार जैसी बिग बजट फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीक्रेट सुपरस्टार की सक्सेस देखने के बाद और भी चाइनीज थिएटर्स ने इस फिल्म को रिलीज किया और इस फिल्म ने 810 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म की कलेक्शंस यही नहीं रुकती, इसके बाद भी कुछ और कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई और फिल्म की टोटल कलेक्शन अराउंड 977 करोड़ रही। सीक्रेट सुपरस्टार की कलेक्शंस बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं, जहां पूरे वर्ल्ड में शायद ही किसी स्मॉल बजट फिल्म ने 977 करोड़ का बिजनेस किया होगा। नंबर 10, अवेंसडे। 2008 में रिलीज हुई अवेंसडे कल्ट क्लासिक फिल्म है। अवेंसडे को जब रिलीज किया गया था तब इंटरनेट की फैसिलिटी सबके पास नहीं थी और फिल्म की इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स टीवी चैनल्स ही हुआ करते थे। नीरज पांडे की ये डेब्यू फिल्म थी, जहां हम नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर को देखते हैं, जो इंडियन सिस्टम से तंग आकर मुंबई पर एक बॉम्ब अटैक प्लान करता है। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो ज्यादा लोगों को फिल्म के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, पर जितने भी लोगों ने फिल्म देखी उन सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। फिल्म को ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और अपने आप में फिल्म वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पॉपुलर होने लगी।
3 करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म ने 16.6 करोड़ का बिजनेस किया, जो अपने बजट से 5 times ज्यादा था। हमने वेंसडे को इस लिस्ट में भी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उन दिनों ऐसी फिल्म का इतना ज्यादा बिजनेस करना ऑलमोस्ट एक मिरेकल के जैसा था। फिल्म में ना कोई मेनस्ट्रीम एक्टर था और ना ही फिल्म की स्टोरी किसी कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म की तरह थी, जहां मास ऑडियंस को म्यूजिक वीडियोस, एक्सोटिक लोकेशंस, रोमांटिक लव एंगल्स देखने को मिलते हैं। अ वेंसडे बॉलीवुड के लिए एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म रही थी, जिसके बाद से ही ऑडियंस को अनकन्वेंशनल फिल्म्स में इंटरेस्ट आने लगा था। तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि इंडिया में यही फिल्म्स इतना ज्यादा बिजनेस क्यों नहीं कर पाती। क्या प्रॉब्लम हमारी ऑडियंस में है, जो सिनेमा को थिएटर से ज्यादा पायरेसी के थ्रू या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखना पसंद करती है, या फिर कुछ और? आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और फ्यूचर की वीडियोस के लिए भी आप हमें आइडियाज दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।